विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में इन दिनों तूफानी प्रचार अभियान चल रहा है। 10 साल से विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने इस बार सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। राज्य के सबसे कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले कैंपेन को लीड कर रहे हैं और लोगों से इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के सामने बागियों की एक बड़ी चुनौती है। गुरुवार को पानीपत ग्रामीण हलके में प्रचार करने पहुंचे हुड्डा ने इस संबंध में खासतौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चेताते हुए कहा कि किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। सचिन कुंडू ही हमारे यानी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, कोई दो राय नहीं। मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा उम्मीदवार सचिन कुंडू है भाई, और कोई नहीं है। कोई गुमराह मत होना। कुछ आदमी है जो एक एक वोट सचिन कुंडू को देंगे तो भाई आप कोई आदमी आपको गुमराह करने की कोशिश करे, कोई नहीं। हमारा वही है जो हमारे साथ है, जो सचिन कुंडू के साथ है, वही हमारा है। तो आपसे ये मैं कहना कि भाई ये जो मैंने बातें बताई कब होगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी बनेगी ना। कांग्रेस की सरकार कब बनेगी? जब यहाँ से विधायक बनेगा। विधायक ही बनाते हैं ना। तो भाई इसको बनाओ, एक काम तुम मेरे से कहने कर दो, दूसरा काम मैं थारे कहने से कर दूंगा। मेरे कहने से क्या करोगे? मेरे कहने से करो, यहाँ से सचिन कुंडू को भारी बहुमत से जिता के भेज दो, और मैं थारे कहने से क्या करूंगा? थारी सरकार बना दूंगा। भाई सरकार मंजूर है, आज खड़े करके बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। वहीं हुड्डा ने कहा कि इस बार पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट पर कांग्रेस जरूर जीत हासिल करने में सफल होगी। सर, जो कांग्रेस ने चेहरे चुने हैं उसमें विनेश फोगाट हो या सचिन कुंडू हो, तो क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी का फैसला है। हमारा जो क्राइटेरिया था वो जिताऊ और टिकाऊ का था, तो जो बहुत अच्छे उम्मीदवार चुने गए हैं, और इस वास्ते मैं कहता हूँ, वैसे जो छत्तीस बरादरी ने मन बना रखा है अब की बार कांग्रेस सरकार, लेकिन हमारे उम्मीदवार भी बहुत अच्छे हैं, मजबूत होंगे। इस विधानसभा में क्या उम्मीद रखते हैं सर? इस पानीपत ग्रामीण विधानसभा से क्या उम्मीद है सर? तो यहाँ से हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा सचिन कुंडू, और यहाँ के हलके का विकास होगा। तो पिछले कई बार से तो है यहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीत नहीं पाया। 2014 की बात कर ली जाए या बोले 2019 जीत जाएगा। सर, एक सबसे बड़ी बात एक हो रहा है कि सारे कांग्रेसी अब एक नजर आ रहे हैं सर, ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है? अब एक हरियाणा में सर क्या अनुमान है अबकी बार कितनी सीटें आ सकती है? भारी बहुत से कांग्रेस सरकार बनेगी सर। बता दें कि पानीपत ग्रामीण सीट कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल मानी जाती है, क्योंकि 2005 से पार्टी यहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। पिछले चुनाव में तो पार्टी का उम्मीदवार पांचवें नंबर पर खिसक गया था। ऐसे में इस बार पार्टी ने सचिन कुंडू के रूप में एक युवा प्रत्याशी पर दांव खेलकर यहां जीत का सूखा खत्म करने की कोशिश की है। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री महिपाल ढांडा से है। ढांडा इस बार हैट्रिक लगाने मैदान में उतरे हैं। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब के सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।